हेलो दोस्तों, हम शेफाली और आपका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएमए जेंटलमैन कैडेट के स्टाइपन और पे के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी एक जेंटलमैन कैडेट के तौर पर आईएमए में जाने के लिए जोश से भर जाएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर कैडेट को बनाने और ट्रेन करने के लिए कितना खर्च करती है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीडीएस या एनडीए रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे सीडीएस और एनडीए के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको डिफेंस रिटन एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेने वाले जेंटलमैन कैडेट्स यानी कि जीसीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी अच्छे से ख्याल रखती है। जीसीस को वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एलीट मिलिट्री एकेडमी में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी पैसे स्पेंड करती है। जीसीस को हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स द्वारा ट्रेन किया जाता है, जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होने के साथ ही साथ काफी एक्सपीरियंस भी होते हैं। आईएमए के करिकुलम में फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट के साथ ही साथ जीसीस को कई अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज जैसे की फोटोग्राफी, पेंटिंग, सेमिनार्स, टूर्स और इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स भी प्रैक्टिस कराई जाती है। इस सारी फैसिलिटीज के साथ ही साथ जीसीस को एक हैंडसम मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिसे वो ट्रेनिंग के दौरान अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं। सेवन पे कमीशन के अकॉर्डिंग आईएमए के जीसीस के स्टाइपेंड को बढ़ा दिया गया है और उन्हें आईएमए के इंटायर ट्रेनिंग पीरियड में 56,100 पर मंथ पे किया जाता है। एक डिफेंस एस्पिरेंट के तौर पर आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून की एक जेंटलमैन कैडेट को मिलने वाली पे और अलाउंसेस को जानने की काफी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होगा। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं एक जेंटलमैन कैडेट यानी कि जीसी के पे स्केल की, जो उसे उसकी एंट्री टाइप के अकॉर्डिंग दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री की। सेवन पे कमीशन के इंप्लीमेंट होने के बाद डायरेक्ट एंट्री जीसी को 56,100 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि उनकी आईएमए में होने वाली इंटायर ट्रेनिंग पीरियड के लिए लागू रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसीसी एंट्री से जाने वाले सर्विस कैंडिडेट आईएमए में अपनी ट्रेनिंग ड्यूरेशन के दौरान अपनी रैंक के अकॉर्डिंग पे ड्रॉ करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी पे बुक लानी होगी और उसके साथ ही साथ वो अपने प्रीवियस यूनिट के एक महीने की एडवांस पेमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल एंट्री और यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम की। टेक्निकल एंट्री के जीसीस 56,100 पर मंथ की प्रोविजनल इश्यू ऑफ पे एंड अलाउंसेस के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, जो कि आईएमए में उनके इंटायर ट्रेनिंग पीरियड के लिए इंप्लीमेंट होता है और उसके बाद में प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स द्वारा एडजस्ट किया जाता है, जब वो लेफ्टिनेंट की रैंक के अकॉर्डिंग उनकी पे और अलाउंसेस को रिलीज करते हैं। बाकी जनरल पर्पसेस के लिए उन्हें जेंटलमैन कैडेट्स ही डेजिग्नेट किया जाता है और ट्रीटमेंट भी वैसे ही दिया जाता है। उनके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उनकी शॉर्ट सर्विस कमीशन की प्रोबेशन कंडीशन तब खत्म मानी जाती है जब वो कोर्स से विथड्रॉ करे या फिर रेजिग्नेशन दे दे और या एकेडमी में उनका कोर्स सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्हें अपनी मेसिंग, अकोमोडेशन और एलीट सर्विसेज पर आए चार्जेस को पे करना होता है, जो कि फिलहाल 486 रुपीज पर मंथ या उससे ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही साथ उन्हें आईएमए में अपना पॉकेट एक्सपेंस खुद ही अरेंज करना होता है। अगर बात करें यूएस एंट्री जीसीस की, तो उन्हें 21,000 का स्टाइपेंड फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए दिया जाता है और उसके बाद आईएमए के उनकी ट्रेनिंग पीरियड में उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक के अकॉर्डिंग 56,100 पर मंथ प्लस डीए पे एंड अलाउंसेस के तौर पर दिए जाते हैं। तो ये थी बात आईएमए के जीसीस को मिलने वाली पे और स्टाइपेंड के बारे में। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सके। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।